हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक वारंट केस एंड समन केस में क्या अंतर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जानते हैं वारंट केस एंड समन केस में क्या है। पहले जानने से पहले कि सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की समन केस क्या है, वारंट केस क्या है, क्योंकि उसमें ये तो नहीं बताया है कि वारंट क्या और समन क्या, उसमें ये बताया है कि समन केस क्या है, वारंट केस क्या है। तो केस जानने से पहले हम जान लेते हैं कि समन है क्या। समन एक लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट एक स्पेसिफिक पर्सन को भेजती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक प्लेस पे, स्पेसिफिक चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए उसे वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। जनरली कोर्ट ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट तक भेजती है किसी पर्सन को कि कोई कंप्लेन फाइल हुई या कोई चार्ज उस पर लगाए गए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कोर्ट में प्रेजेंट रहें। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती है। समन भेजते हैं, बहुत पोलाइटली लीगल ऑर्डर है वो भेजते हैं कोर्ट कि आ जाइए, आपके अगेंस्ट कोई चार्ज लगे हुए हैं या कंप्लेन फाइल हुई है, हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप कोर्ट में ए स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक प्लेस है, यहाँ पे आके आप उसे क्लियर करके जाइए। वारंट क्या है? वारंट रिटर्न डॉक्यूमेंट है इशूड बाय जुडिशियल ऑफिसर और ऑथराइज्ड पर्सन कमांडिंग ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू परफॉर्म सम एक्ट इंसिडेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन है हमारी कंट्री का? पुलिस है। और वारंट कई तरीके होते हैं, कई चीज़ों के लिए होती है। मोस्टली फेमस वारंट जो पुलिस को दिए जाते हैं, जो वो जो एक्यूज है उसको अरेस्ट करने के लिए यूज़ करती है, या फिर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी पे सर्च करने के लिए जब वो वारंट यूज़ करती है, तो ये काइंड ऑफ वारंट है। पर वारंट और भी तरीके होते हैं। वारंट क्या है? एक लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, या फिर जिनको भी उन्होंने ऑथराइज किया वो भेजती है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देती है, जो कि पुलिस और भी हो सकते हैं, कि जाइए एक्यूज को ले आइए, और इन केस अगर वो इलीगल काम करता है या ऑर्डर को ब्रीच करने की तोड़ता है तो आप उन्हें अरेस्ट करके ले आ सकते हैं। तो ये अथॉरिटी है, कमांड है, उनके पास पावर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास में, कि आप अगर इन केस वो कुछ करता है इलीगल तो आप उसे अरेस्ट, जबरदस्ती अरेस्ट करके ले आ सकते हैं। तो वारंट और समन क्या है, समझ में आ गया? दोनों ही लीगल ऑर्डर है, ट्रायल प्रोसीजर है। जो एक ट्रायल होती है वो प्री ट्रायल और ट्रायल प्रोसीजर में डिवाइड होती है। प्री ट्रायल के कुछ प्रोसीजर होते हैं और ट्रायल प्रोसीजर के कुछ प्रोसीजर होते हैं। तो ये है, जो वारंट एंड समन है वो ट्रायल प्रोसीजर का पार्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्री ट्रायल एंड ट्रायल प्रोसीजर। तो वारंट एंड समन ट्रायल प्रोसीजर के अंडर में आता है। देखते हैं हम वारंट एंड समन के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या दिया हुआ है। इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया, इन्होंने से बताया कि केस क्या है। तो सेक्शन 2W इंटरप्रिटेशन क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एक्ट का जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या कौन सी बात किस सेंस में इस एक्ट में कही गई है, वो उसी सेंस में यूज होती है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 2 सबसेक्शन W, उसमें क्या कहता है कि समन केस मीन्स ए केस रिलेटेड टू ए ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। सिंपल कहा है कि समन केस एक केस है जो ऑफेंस से रिलेटेड है, और जो वारंट केस क्या है, नहीं है। तो वारंट केस क्या है, 2X में सेक्शन 2 सबसेक्शन X में डिफाइन किया गया है कि वारंट केस क्या है। वारंट केस क्या है, इट रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड विच इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। तो समझ में आ गया कि वारंट केस वो केस है जिसमें पनिशमेंट कौन सी है, डेथ की पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट, और कोई भी पनिशमेंट जिसकी सजा 2 साल से ऊपर है। 2 साल के नीचे वाली सारी केसेस जो है, सारे ऑफेंसेस जो है, वो समन केस कहे जाएंगे। तो जब भी जिस भी ऑफेंस की सजा 2 साल से अंदर होगी, यूजली वो समन केस की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उनका प्रोसीजर समन केस की तरह होगा। और जिनके 2 ईयर से ज्यादा है, उनकी उनका ट्रायल जो होगा, उनका जो प्रोसीजर होगा, वो वारंट केस की तरह होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए केस एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ समन केस और वारंट केस अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड मेजर ऑफ पनिशमेंट विच द लॉ अटैच टू द ऑफेंस। अब देखिए, बहुत जरूरी बात है, ऑफेंस तो ऑफेंस है, पर हम उसे डिवाइड क्यों करते हैं समन एंड वारंट केस में? इसलिए करते हैं जो सीरियस टाइप के केसेस है उनके प्रोसीजर थोड़े डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होने, डिफिकल्ट
कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और जो समन केस है वो यूजली 2 ईयर्स के नीचे होते हैं, मे बी समटाइम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, कभी गलती से होता है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए वारंट केस बनाया गया है कि नेचर क्या है ऑफेंस का, बहुत सीरियस नेचर नहीं है तो क्यों उसको इतनी सजा दी जाए, उसको रिहैबिलिटेट करने का, उसे सही होने का मौका देना चाहिए। और जो बहुत सीरियस है तो फिर ऑप्शन नहीं बचता है, उसे भेजना ही पड़ता है जेल में। और पनिशमेंट कितना दिया हुआ है, पनिशमेंट बहुत मैटर करता है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसे, हमारा जो इंडियन पैनल कोड है और जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो विक्टिम ओरिएंटेड नहीं है, वो ऑफेंडर को पनिश करने, उसका जो मेन बेसिस है ऑफेंडर को पनिश करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कितनी पनिशमेंट दी है। अगर कम पनिशमेंट दी है तो वो समन होगा, उसको थोड़ा इजी तरीके से फॉलो करेंगे, थोड़े से रिलैक्सेशन देंगे। पर अगर वो वारंट केस है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। इन ए समन केस ए समन शैल बी इशूड एंड इन ए वारंट केस ए वारंट मे बी इशूड। Thus, in a warrant case, a summon may be issued if the magistrate think fit to do so. Summon case में summon issue करना must है, summon issue करना must है, पर warrant case में जरूरी नहीं कि warrant ही issue किया जाए। अगर जब magistrate को लगता है कि circumstances of case ऐसे हैं कि अगर summon से भी काम हो जाएगा तो warrant नहीं issue करते हैं। उन्हें लगता है कि जो accused है, जिस person पे कोई भी charges है, वो अगर खुद भी आ सकता है और अच्छे रिपुटेशन का है, जो भी सर्कमस्टांसेस वो लेते हैं, केस वाइज डिपेंड करता है, इस केस में दूसरा हो सकता है, दूसरे केस में दूसरा हो सकता है, तो उस केस में वो वारंट में समन में भी इशू, वारंट में भी इशू, पर समन केस में समन हैज टू, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वे, इतना तो करना ही पड़ता है। समन विटनेस को भी बुलाने के लिए भी कर सकते हैं कि आइए आपकी ज़रूरत है इस केस में, आपकी आपकी बातों का, आपके नॉलेज के, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी इस केस रिलेटेड है एविडेंस पे लेनी है, विटनेस को बुलाने के लिए भी इशू किया जा सकता है। समन जो अक्यूज है उसको प्रेजेंट होने के लिए भी बोला जा सकता है। दस इन वारंट केस इस समन में भी इशूड इफ द मजिस्ट्रेट थिंग फिट टू डू सो। व्हेन एक किसी केस में अगर वारंट केस है और समन केस का जो प्रोसीजर फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब उसके जो एंड रिजल्ट है, मतलब जस्टिस में जो पनिशमेंट निकला, जो भी रिजल्ट निकला, एक्विटल हुआ या कन्विक्शन हुई, जो भी हुआ, वो सही है लॉ की नज़र में, बस कि उन्होंने वारंट प्रोसेस की जगह समन प्रोसेस फॉलो कर लिया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बस ये जस्ट एन इरेगुलरिटी जो सेक्शन 465 के अंदर दी है सीआरपीसी की, ये इरेगुलरिटी है प्रोसीजर की और इसे क्योर किया जा सकता है। इससे पूरा जो फॉलो हुआ, जो रिजल्ट आया, वो उसे क्वैश नहीं होगा, इसे क्योर किया जा सकता है। एक लीडिंग केस है किशोरी लाल वर्सेस महादेव 1993 में कोर्ट ने कहा था कि इस केस बीइंग ट्राइड एज वारंट केस may be proceed under summon procedure in the midst of case if the justice demand, same as a summon case can be tried as warrant case in the interest of justice, but magistrate should pass a specific order to this effect. इस केस में ये कहा गया था कि जो वारंट केस है उसे समन केस की तरह भी हम फॉलो कर सकते हैं अगर जस्टिस की डिमांड, और समन केस जो है उसे हम वारंट की तरह भी कर सकते हैं जब लगता है हमें कि बीच में कभी की नहीं जरूरी है इसे वारंट की तरह प्रोसीजर, इसको वारंट का प्रोसीजर फॉलो किया जाए, वारंट केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाए, तो हमें उस तरह से ट्रायल करना चाहिए, ट्रायल प्रोसीजर बताया मैंने, तो उस तरह से प्रोसीड करना चाहिए उनको जब ये लगता है, तो वो उस तरह फॉलो कर सकते हैं। पर इसके लिए मजिस्ट्रेट को स्पेसिफिक ऑर्डर देना पड़ेगा, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड है, इस केस लॉ में ये डिस्कस किया गया था। वेयर ए वारंट इज ट्राइड एज समन केस एंड अक्यूज इज एक्विटेड, देन ऑर्डर ऑफ एक्विटल विल ऑपरेट एट डिस्चार्ज अंडर 245। जब कभी एक वारंट केस समन केस जैसा ट्राई होता है, जो एक्यूज होता है वो एक्यूट हो जाता है, एक्यूट मतलब जो आफ्टर एविडेंस वगैरह टेक, एक्विटल और डिस्चार्ज में अंतर है। एक्विटल जो है वो
प्रोसेस शुरू होने से पहले होता है, जब केस फाइल होता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कोई केस ही नहीं बनता है कि उसके अगेंस्ट में, तो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। वो एविडेंस वगैरह लेने से पहले होता है ये सारी चीज़, फ्रेम चार्जेस फ्रेम होने से पहले होता है। एक बार चार्जेस फ्रेम हो गए, एविडेंस लेने लगे, तो उसके बाद एक्विटल ही होता है, डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज चार्जेस फ्रेम होने से पहले होते हैं। तो वेयर वारंट केस इज ट्राइड एज समन केस एंड अक्यूज इज एक्विटेड, देन ऑर्डर ऑफ एक्विटल विल ऑपरेट एज डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 245 ऑफ सीआरपीसी। 245 में दिया हुआ है कि जब कोई केस नहीं बनता है और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एक्यूज अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं कोई केस नहीं बनता, तो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। जब भी वारंट के समन केस ऐसा होगा और एक्यूज जो एक्विटल होगा उसका, एक्विटल क्योंकि समन केस में पहले ही एविडेंस ले लेते हैं सब, तो और चार्जेस फॉर्म नहीं होते, इसलिए यहाँ पे एक्विटल ही होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है समन केस में, तो उसे डिस्चार्ज ही माना जाएगा। और वेयर समन केस इज ट्राइड एज वारंट केस एंड एक्यूज इज डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 245 इट विल ऑपरेट एज एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। और अगर मैं भी बताया मैंने कि समन केस में चार्जेस फॉर्म नहीं होते, अगर जब समन केस वारंट केस की तरह ट्राई किया जाता है और डिस्चार्ज का ऑर्डर देता है मजिस्ट्रेट, तो उसे एक्विटल माना जाता है, एक्विटल माना जाता है, ना कि डिस्चार्ज माना जाता है। इफ द चार्ज रिवेल बोथ वारंट केस एंड समन केस, ए वारंट केस इज टू बी प्रेफर, बिकॉज इसलिए प्रेफर किया जाएगा क्योंकि जो वारंट केस है वो सीरियस इन नेचर है, वारंट केस जो है वो सीरियस इन नेचर है और समन केस जो है वो लेस सीरियस इन नेचर है। बताया 2 साल के ऊपर वाले वारंट केस होते तो उनकी सजा अगर 2 साल से ऊपर है, सब मतलब उनका क्राइम ज्यादा सीवियर है और उसकी ग्रेविटी ज्यादा है सोसाइटी के लिए, तो जब भी दोनों चार्जेस होंगे वारंट केस की तरह ही फॉलो किया जाएगा। अभी बताया मैंने आपको केसवा किशोरी लाल वर्सेस महादेव 1993 की, दोनों केस एक्स्ट्रा इंटरचेंज कर सकते हैं समन को वारंट की तरह, वारंट की तरह समन की तरह, पर मजिस्ट्रेट का स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड है इस केस लॉ में बोला गया है। देखिए प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट वारंट केस इज गिवन अंडर चैप्टर 19 एंड सेक्शन 238 to 250 ऑफ सीआरपीसी, और एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट समन केस इज गिवन अंडर चैप्टर 20 सेक्शन 251 टू सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी। पर अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि इनके प्रोसीजर क्या है डिटेल में, मैं आज दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ कि वारंट केस में और समन केस में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस। ए वारंट केस इज व्हेन द ऑफेंसर पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट इन 2 years। अभी बताया मैंने आपको कि 2 साल के ऊपर जितनी भी सजा होगी जिसमें लाइफ डेथ सेंटेंस है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है और इंप्रिजनमेंट इन 2 years, वो वारंट केस है। और ऑल केसेस जो पनिश जो इससे कम के होंगे वो समन होंगे। जैसे आप मर्डर ले लीजिए, मर्डर ले लिया, ये इन सब केसों में अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब वारंट केस, सजा इनकी 2 साल से ऊपर है। पर अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइड केस, रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग ऑफ आईपीसी 304A, ये सब क्या है समन केस, इसमें पनिशमेंट जो है वो 2 साल से कम की है। अंदर समझ में आ रहा है? चलिए फिर चलते हैं। The two trial procedures are prescribed, one for cases instituted on police report and cases instituted otherwise. Process is not so elaborate. ये समझिए ये बहुत important है। जो warrant case है, 2 तरीके से warrant case बनता है। एक जब पुलिस कोई क्राइम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट भेजती है मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 173 सीआरपीसी के, और दूसरा केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज, मतलब किसी और ने प्राइवेटली जाके मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली केस फाइल किया है। दोनों में अंतर, एक पुलिस रिपोर्ट पे केस बनती है, दूसरा डायरेक्ट कंप्लेन किया है किसी कंप्लेनेंट ने, उसको कोई प्रॉब्लम थी, अब कुछ इश्यू रहा होगा, पुलिस से नहीं किया, जाके डायरेक्टली मजिस्ट्रेट में कंप्लेन फाइल किया। 2 तरीके थे और इन दोनों का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। कंप्लेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस रिपोर्ट में सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये पूछता है कि सेक्शन 207 जो सीआरपीसी का, जिसमें एक बार जब केस फाइल हो जाता है 173 में, पुलिस रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट पास चली जाती है, तो मजिस्ट्रेट पूछता है पुलिस से कि आपने एक्यूज को एफआईआर की कॉपी, जो चार्ज फॉर्म हुआ है चार्जशीट की कॉपी, जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं विटनेसेस के ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है सेक्शन 161 के अंदर, और जितने भी कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए सेक्शन 164 के अंदर, और अदर कोई डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म किया है उन्होंने मजिस्ट्रेट को देते समय, कोई रिकॉर्ड फॉर्म किया है मजिस्ट्रेट को देते समय, तो वो सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को दी जाए। जब मजिस्ट्रेट ये
कर लेता है कि सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फिर उसके बाद देखता है कि कोई केस बनता है कि नहीं बनता है, तो वो अगर नहीं बनता है डिस्चार्ज करता है, बनता है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है तो पूछती है कि तुम गिल्टी प्ली करते हो कि नहीं, अगर गिल्टी प्ली करता है तो कन्विक्शन कर देता है, पर याद रखिए कन्विक्शन जो कन्विक्ट करता है वो मे हो सकता है, ना कि जो मजिस्ट्रेट है अगर वो कहता है कि नहीं मैं गिल्टी प्ली कर रहा हूँ, पर जरूरी नहीं कि वो कन्विक्ट उसे तुरंत कर दे, अगर उन्हें लगता है कुछ फॉल प्ले है कुछ गलत है तो वो उसे आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि उसने गिल्टी प्ली नहीं की और सारे एविडेंस फिर लेना शुरू करते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं, और अगर गिल्टी प्ली नहीं किया है तो फिर एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन होता है, उसके बाद एविडेंस फॉर डिफेंस होता है, उसके बाद डिसीजन देते हैं एक्विटल का या कन्विक्शन का, और अदरवाइज केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज में क्या होता है कि जब कंप्लेनेंट के केस कंप्लेनेंट कोई कंप्लेनेंट है और कंप्लेन दिया मजिस्ट्रेट को, तो जब पहला ही होता है वो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन होता है, उसके बाद लगता है कि बुलाते हैं प्रोसिक्यूशन को, मजिस्ट्रेट बुलाता है कि केस प्रेजेंट करिए अपना, और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये तो केस बनता ही नहीं है, अक्यूज के अगेंस्ट में कोई केस ही नहीं है, वीक है, तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं, और जहाँ पे डिस्चार्ज नहीं करते वहाँ पे गिल्टी प्ली करने के लिए बोलते हैं, और अगर गिल्टी प्ली करता है कन्विक्शन करते हैं, कन्विक्शन नहीं होती है तो डिफेंस का एविडेंस मांगते हैं, मतलब एक्यूज का एविडेंस कहते हैं कि उनका एविडेंस ओपन किया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनकी एविडेंस लिया जाए, उनके विटनेसेस को किया जाए, और उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन का ऑर्डर देते हैं, जजमेंट पास करते हैं, डिग्री देते हैं। बट इतना इलैबोरेट प्रोसेस वारंट केस में दिया हुआ है, पर ट्रायल समन केस में इलैबोरेट प्रोसेस नहीं अभी बताया, दोनों का मेन मोटिव क्या है कि जो लेस सीरियस है उन्हें जल्दी से रिलैक्सेबल मोड में ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना करते हुए प्रोसेस फॉलो किया जाए। थर्ड पॉइंट का चार्ज इज टू बी फ्रेम अगेंस्ट अक्यूज, ये बताइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का दोनों में, वारंट केस में चार्ज फॉर्म होना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होता है वारंट केस में, बट समन केस में नो चार्ज नीड टू बी फ्रेंड, ओनली द पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज मस्ट बी कन्वेड टू हिम। वारंट केस में चार्ज फॉर्म होती है, क्या क्या चार्ज लगे, कैसे कैसे चार्ज लगे, सब कुछ होने के बाद वो सुनने के बाद जब कंप्लेनेंट एक्यूज आता है और प्रोसेस प्रोसिक्यूशन आती है, पर समन केस में क्या होता है कि चार्ज फॉर्म नहीं करते, उसी दिन उनको जितने भी पर्टिकुलर ऑफेंस जिस ऑफेंस का उन पर एलिगेशन लगा है एक्यूज माना गया है वो ऑफेंस का उनको पर्टिकुलर्स बताते हैं और उस बता देते हैं कि देखिए आपको आपके ऊपर ये चार्ज लगे हैं, ये ऑफेंस का चार्जेस लगा है, और अलग से कुछ नहीं करते जैसे नॉर्मल प्रोसेस। फोर पॉइंट के आफ्टर द चार्जेस फ्रेम इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट, अभी बताया मैंने मे कन्विक्ट, वो चाहे तो उन्हें कन्विक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं जो एक्यूज है उसने कहा कि नहीं मैं तो गिल्टी हूँ, मैंने किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने अपनी बीवी को मारा है, मैंने अपने हस्बैंड को मारा है, तो वो जब ये खुद से कबूल कर लेता है तो उस पर वो कन्विक्ट कर सकते हैं, मे कर सकते हैं, मे का मतलब जरूरी नहीं है, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है कि नहीं वो जान मुझ के कन्फेस कर रहा है या गिल्टी प्ली कर रहा है कि उसे किसी को बचाना है, अगर ऐसा कुछ फॉल प्ले लगता है तो मजिस्ट्रेट जरूरी नहीं उन्हें कन्विक्ट करे, वो आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, पर इफ द एक्यूज प्ली गिल्टी द मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड द प्ली ऑफ एक्यूज एंड कन्विक्ट हिम ऑन सच प्ली। अभी बताया मैंने कि जो समन केस में क्या होगा, अगर एक बार गिल्टी प्ली कर लिया अक्यूज में तो मजिस्ट्रेट को उसका रिकॉर्ड करना ही पड़ता है प्ली की, हाँ ये गिल्टी प्ली किए हैं, और उसको कन्विक्ट करना पड़ता है, वो अपनी मर्जी से बोले या झूठे मन से बोले या किसी को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें लेस सीरियस है, ये 2 साल से नीचे है तो इतना उस पर स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो करते हैं, पर इसमें 2 साल से ऊपर होती है इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है। द मजिस्ट्रेट मे परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड, there is no provision authorizing the magistrate to permit the cross examination of any of the prosecution witness to be deferred, magistrate jo question of any witness to be deferred, agar prosecution ka koi witness aur wo defer kar raha hai cheezon ki apni baaton se alag ho raha hai to uska cross examination karne ka allow kar dete hain warrant case mein, par मजिस्ट्रेट को पावर नहीं, किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो डिफर कर गया है उसी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का फिर पावर नहीं होता है, क्योंकि ये उतना सीरियस होता नहीं है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान देते हैं पर थोड़े से रिलैक्स फॉर्म में करते हैं कि जल्दी चीजें हो जाए, स्पीडी हो जाए, स्पीडी तो इसमें भी चाहिए होता है, पर इसमें जब सजा बहुत ज्यादा होती है तो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होनी पड़ती है।
ए मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज द एक्यूज इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपियर और इफ नो चार्ज इज फ्रेम्ड और इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. जो मजिस्ट्रेट भी बताया मैंने कि अगर कंप्लेन पे केस फाइल हुआ है तो अगर कंप्लेनेंट जिस दिन कोर्ट मजिस्ट्रेट ने डेट फिक्स किया कि आना पड़ेगा कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट नहीं आता है या चार्ज फ्रेम नहीं हो पाता, चार्ज फ्रेम होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता और कंपाउंडेबल है ऑफेंस सेक्शन 320 ऑफ CRPC, अगर ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर देता. डिस्चार्ज का ये मतलब होता है कि उस पर कोई केस ही नहीं बना, डिस्चार्ज कर देता है. बट इन समवन केस एन एक्यूज मे बी acquitted for the hearing, acquitted or the hearing adjourned if the complaint does not appear or on the death of the complainant. But summon case में क्या होता है कि accused जो may be acquitted, हम उसे छोड़ सकते, discharge नहीं कर सकते, और जो hearing है उसे हम adjourn कर देंगे अगर complainant नहीं आया या फिर उसकी death हो गई तो हम उसे adjourn करेंगे, वहाँ abate नहीं हो जाएगी उसकी proceeding, उसकी proceeding postpone हो जाएगी, adjourn हो जाएगी. और संबंधी केस में हमेशा एक्विटल होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट द कंप्लेनेंट कैन विदड्रॉ द रिमेनिंग चार्ज इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ऑन वन और मोर चार्ज. देयर इज नो प्रोविजन फॉर विदड्रॉल ऑफ कंप्लेंट बाय द कंप्लेनेंट. वेयर एज इन समन केस विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट द कंप्लेनेंट कैन विदड्रॉ द कंप्लेंट. वारंट केस में क्या है कि कोर्ट की परमिशन से जो कंप्लेनेंट, अगर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं एक ही इंसान पे, एक ही कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में कई सारे चार्जेस हैं, तो जो मेन चार्जेस है सीवियर चार्जेस अगर वो प्रूव हो गए हैं, वो उस पर लग गए हैं, तो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट जो जो कंप्लेनेंट है, अगर कंप्लेंट की कंप्लेंट पे केस फाइल हुआ है तो पुलिस के उस पर नहीं, कंप्लेंट के केस पे फाइल हुआ है तो कंप्लेनेंट के कंप्लेन पे फाइल हुआ है अगर कोई केस, तो उस केस में वो अगर बहुत सारे चार्ज है तो एक दो चार्ज को वो विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि वारंट केस में विड्रॉल ऑफ कंप्लेन की कोई ऑफ बाय द कंप्लेनेंट कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है. पर समन केस में सेक्शन 257 में विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट, विड्रॉल बाय द कंप्लेनेंट दिया हुआ है कि विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट कैन विड्रॉ द कंप्लेंट. अगर उसका मन है कि नहीं ये जो चार्जेस पे लगे मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे नहीं, ठीक है गलती हो गई, मे बी हम दोनों आपस में सुलह कर ले बाहर जो भी है, तो ये लेस सीरियस इन नेचर है, 2 साल से नीचे पनिशमेंट होती है, तो इसमें ये प्रोविजन बनाया गया है कि अगर आप कंप्लेन अपनी वापस लेना चाहे, विड्रॉ करना चाहे तो कर ले. This is special provision if the accused has been charged in respect of previous conviction. There is no such procedure in summon case. जो warrant case है इसमें एक special provision दिया हुआ है कि अगर कोई भी convict जो अब accused है, अगर वो पिछला उसका कोई भी conviction है और वो कह रहा है कि नहीं मेरा कोई conviction नहीं है, मैं पहले convict नहीं हुआ था पहले, तो magistrate में after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. जब मजिस्ट्रेट भी कोर्ट में जब केस चला और ड्यूरिंग द कोर्स उसे पता चला कि जब कन्विक्ट किया उन्होंने एक्यूज को, और तब उन्हें पता चला कि प्रीवियसली भी एक्यूज की कन्विक्शन हो चुकी है किसी केस में, पर जो एक्यूज है वो मना कर रहा है कि नहीं मैं कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ, प्रीवियसली मेरा कोई कन्विक्शन नहीं है किसी भी केस में, तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा आफ्टर जो प्रेजेंट केस है उसमें अगर उसे सजा दे दी है तो वो एविडेंस मंगाएगा और जो एलिक प्रीवियस कन्विक्शन है उसके अगेंस्ट में एविडेंस लेगा और उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगा. मतलब वो उस पर भी वो फैक्ट भी वो फिर से सुनेगा, अगर वो चाहे तो उसका रिकॉर्ड मंगाएगा, एविडेंस उसके लिए फिर से एविडेंस लेगा उसके लिए, मतलब ये प्रोसीजर फॉलो होगा अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो. ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं प्रोविजन समन केस में नहीं दिया हुआ है CRPC में. इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू हियर हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस. सच प्रोविजन हैज नॉट मेड इन द ट्रायल फॉर ए समन केस. अभी बताया वारंट केस और समन केस में बहुत दोनों का ग्रेविटी, दोनों पनिशमेंट नेचर एंड पनिशमेंट कैसी दी हुई है, ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट क्या है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी बेसिस पे तो केसेस को डिवाइड किया गया है कि सीरियस और लेस सीरियस में. तो अगर वारंट केस में किसी भी कोई भी एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है तो
ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि वो एक्यूज को उस पॉइंट पे सुने कि अगर जो पनिशमेंट हम तुम्हें दिए हैं, दो सजा हम तुम्हें दिए हैं, वो कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहता है कि नहीं, क्यों सही नहीं है एक्यूज के हिसाब से, क्यों कम होनी चाहिए, ये मौका उन्हें देना पड़ता है। पर समन केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया समन केस के ट्रायल में, बिकॉज ये लेस सीरियस है, पनिशमेंट भी कम है, तो स्पीडी डिस्पोजल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वारंट केस, समन केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है एक क्रिमिनल जस्टिस का, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है, सभी को जानना जरूरी होता है, जो नॉर्मल इंसान है उन्हें भी जानना जरूरी होता है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट करें। Thank you so much for watching this video.